ओके, गुड इवनिंग एवरीवन. आई हैव स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग. कौन करेगा बच्चा डिस्कस आज? रिजन करो. अंशुल, आप करोगे? यस सर. कहां तक हुआ था लास्ट लेक्चर में? जल्दी बताओ यार, कहां तक हुआ था? कोई और बच्चा बता दो. आई थिंक आपने सर्कुलर मोशन डिस्कस किया था और फिर कुछ क्वेश्चंस थे, फिर आपने 129 तक नोट करने के लिए. एक मिनट रुक जाओ. ये क्वेश्चंस मैंने कहा था करके आने को. यहां तक तो पढ़ा दिया था, राइट? यस सर. है ना? और ये क्वेश्चंस करके आने को बोला था, राइट? यस सर. यहां से एक्सप्लेन करना है, करेक्ट? यस सर. तो अपन पहले पढ़ लेते हैं आज, है ना, और फिर डिस्कशन वाला काम बाद में करेंगे. सर वो एक्चुअली स्प्रिंग वाले पार्ट से एक्सप्लेन करना है. आपने स्प्रिंग वाला शायद एक्सप्लेन नहीं किया था. कर देता हूँ. स्प्रिंग वाला पार्ट वही है बच्चे जो मैंने, है ना, आप लोगों को लॉज ऑफ मोशन तो मैंने ही पढ़ाया था. सर, इसके पहले जो टेक्निक स्टेप्स टू सॉल्व द क्वेश्चन वो भी आपने बोला था कि आज आप एक्सप्लेन करोगे सर. बता दूंगे यार ये तो. चलो अंशुल, माइक ऑन करो. यस सर. तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं. एक होता है हमारा जो लॉज ऑफ मोशन वाला मेथड होता है, जहां पे आप अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ध्यान रखो हर पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट वगैरह वो सारी चीजें निकालो, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा लो, वेरिएबल एक्सेलरेशन है तो ये सारी इक्वेशन लगाओ. या फिर दूसरी जो बेटर टेक्निक होती है वर्क एनर्जी थ्योरम, उसको बीच में क्या हो रहा है उसको कोई लेना देना नहीं है. इनिशियल पॉइंट क्या, फाइनल क्या, वर्क डन लिखो, उससे काम हो जाएगा इक्वल टू डेल्टा के. उसमें भी एक और शॉर्ट ट्रिक होती है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कि भाई अगर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है तो और बढ़िया क्या करो, डायरेक्टली एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो. ओके, बोलो श्रवण. यस सर. सर यहाँ पे ये डाउट था कि ऐसा कोई जगह है क्या सर जहाँ पे हम वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं लगा सकते? ऐसे केसेस एग्जिस्ट करते हैं क्या सर? नहीं, मतलब यूनिवर्सली अगर हमें इन दोनों में से कोई भी एक लगा सकते हैं हर केस. यस. ओके सर. सर तो वर्क एनर्जी थ्योरम में कैलकुलस का यूज नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो मतलब फाइनल और इनिशियल का सीधे यहाँ पे बात होता. बिल्कुल, है बिल्कुल. बट किसी पर्टिकुलर फोर्स के लिए निकालना पड़ेगा तो हो सकता है, मान लो फोर्स ही वेरिएबल हुआ तो. यस सर. और जो वेरिएबल फोर्स है उसके लिए भी हम निकाल के रख लेते हैं फॉर्मूला पहले से. स्प्रिंग फोर्स का हमने निकाला था ना, हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर. राइट अंशुल? यस सर. हाँ, रिप्लाई करना है. ये नेचुरल लेंथ है, अगर स्प्रिंग को खींचा तो इलोंगेशन तो राइट में, स्प्रिंग फोर्स लेफ्ट में. मैक्स इलोंगेशन पे वेलोसिटी जीरो और स्प्रिंग फोर्स लगेगा तभी तो पीछे जाएगा. फिर कंप्रेस हुआ, मैक्स कंप्रेशन पे वापस वेलोसिटी जीरो और स्प्रिंग फोर्स लगेगा तभी वो आगे जाएगा. समझा? यस सर. तो समझने वाले क्या पॉइंट है? सॉरी, एट मैक्स इलोंगेशन और मैक्स कंप्रेशन स्प्रिंग जीरो नहीं होता, पार्टिकल इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, बिकॉज इफ इट इज इन इक्विलिब्रियम इट विल स्टॉप देयर फॉर एवर एज इट्स वेलोसिटी इज जीरो देयर, विच इज नॉट द केस. वो वापस आता है, राइट? यस सर. ठीक है, तो
पहली चीज ये क्लियर होनी चाहिए, मैक्स एलोंगेशन पे इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं होती है, मैक्स कंप्रेशन पे नहीं होती. आफ्टर मैक्स एलोंगेशन पार्टिकल मूव्स लेफ्टवर्ड्स बिकॉज ऑफ स्प्रिंग फोर्स, हेंस इट एक्सेलरेट्स लेफ्टवर्ड्स, हेंस इट स्पीड इंक्रीजेस. अगेन इट स्पीड विल इंक्रीज अंटिल एक्सेलरेशन इज देयर. मैक्स एलोंगेशन पे पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो होगी बट स्प्रिंग फोर्स लग रहा है तो नेट फोर्स लगेगा. यस ये बोला है. मैक्स एलोंगेशन के बाद स्प्रिंग फोर्स इधर है तो पार्टिकल की स्पीड बढ़ेगी. कब तक बढ़ेगी? जब तक एक्सेलरेशन होगा. और एक्सेलरेशन कब तक होगा? जब तक कि वो नेचुरल लेंथ को क्रॉस नहीं कर लेता, क्योंकि नेचुरल लेंथ को क्रॉस करते ही स्प्रिंग फोर्स इधर लगने लगेगा और वेलोसिटी इधर है. राइट? यस. तो ये लिख रखा है, आफ्टर मैक्स एलोंगेशन पार्टिकल मूव्स लेफ्टवर्ड्स बिकॉज ऑफ स्प्रिंग फोर्स, हेंस इट एक्सेलरेट्स लेफ्टवर्ड्स, हेंस इट्स स्पीड इंक्रीजेस. अगेन इट्स स्पीड विल इंक्रीज अंटिल एक्सेलरेशन इज देयर. इन अबव एग्जाम्पल ओनली हॉरिजॉन्टल फोर्सेस स्प्रिंग फोर्स, हेंस इट विल एक्सेलरेट टिल स्प्रिंग फोर्स बिकम जीरो. राइट? यस सर. Hence at equilibrium, natural length, net force zero होता है but velocity zero नहीं होती. Velocity क्या होती है? Maximum होती है. क्यों? Speed maximum होगी ना यहाँ पे, accelerate हो रहा था तो. Right? But वो तो rest पे आ जाएगा ना sir, वो natural length पे. एक तो यार आप अलग ही physics पढ़ रहे होते हो भाई. Rest पे तो यहाँ पर है ना, particle तो ऐसे आगे पीछे जाता रहेगा ना. Yes. तो during the motion कैसे rest पे आएगा यहाँ पे? Anshul? Yes. Now after this particle moves leftwards because its velocity is leftwards, but now spring force is rightwards क्योंकि compression हो रहा है ना. Yes sir. आपने notes नहीं लिखे ना ये सब Anshul? Sir, जवाब नहीं दिया. पूरे नहीं लिखे. Which decreases speed and again at max compression velocity वापिस जीरो हो जाएगी. तो अब होगा क्या, यहाँ के बाद पार्टिकल जा इधर रहा है, स्प्रिंग फोर्स लेफ्ट में लग रहा है तो रिटार्डेशन होगा. यहाँ पे रिटार्डेशन की वजह से स्पीड जीरो हो जाएगी बट स्प्रिंग फोर्स लगता रहेगा क्योंकि अभी भी कंप्रेशन है. तो उस वजह से अब उसके बाद राइट में एक्सेलरेट करेगा. यहाँ तक जाते टाइम डी एक्सेलरेट कर रहा है, रुकेगा और उसके बाद एक्सेलरेट करेगा. समझा? यस सर. आफ्टर विच इट विल मूव राइटवर्ड्स बिकॉज ऑफ स्प्रिंग फोर्स. ठीक है. अगर फ्रिक्शन लग रहा होगा तो फ्रिक्शन वाले केस में क्या होगा? जब मूव करेगा इधर तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? राइट में. स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा? लेफ्ट में. तो बीच में कोई एक ऐसी पोजीशन आएगी जहां पे राइट और लेफ्ट के फोर्सेस इक्वल हैं तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गई. ऐसे केस में नेचुरल लेंथ आपका इक्विलिब्रियम नहीं है जबकि बीच में कोई आएगी. समझा क्यों? यस सर. फिर जब ये इधर जाएगा तो अगेन जब इधर जा रहा है तो फ्रिक्शन लग रहा है राइट में. यस सर. मोशन के अपोजिट स्प्रिंग फोर्स भी राइट में लग रहा है तो यहां पे कहीं पर भी आपकी इक्विलिब्रियम नहीं आएगी जब वो लेफ्ट में जा रहा है. समझा? यस सर. बट इसके बाद जब वो राइट में ऐसे जाएगा तो स्प्रिंग राइट में लग रहा है और फ्रिक्शन किधर लगेगा? लेफ्ट में. तो ऐसी टाइम पे कभी आपका इक्विलिब्रियम आ सकता है. इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? नेट फोर्स जीरो. ओके? यस. ओके. तो कंक्लूजन बता रहा हूं, ये पोजीशन वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, ये फाइव है. यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, ये नेचुरल लेंथ है, यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स जीरो है बट फ्रिक्शन लगेगा.
तो फ्रिक्शन लगेगा तो इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता, क्योंकि इक्विलिब्रियम के लिए क्या होता है, नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए, राइट? यस सर। फिर इधर जाएगा फोर्थ पोजीशन पे, तो दोनों की वजह से रिटार्डेशन होगा। फिफ्थ पोजीशन पे क्या हो रहा है, रेस्ट पे आ रहा है, और फिर इधर मूव करेगा। ओके, इन पोजीशन 1 to 5 पार्टिकल इज मूविंग लेफ्टवर्ड्स। एट पोजीशन 2 पार्टिकल कैन बी इन इक्विलिब्रियम, कैन बी इन इक्विलिब्रियम। इफ पोजीशन 2 इज इक्विलिब्रियम पोजीशन, देन पार्टिकल एक्सेलरेट्स फ्रॉम 1 to 2। जब तक इक्विलिब्रियम पोजीशन तब तक तो एक्सेलरेट कर रहा है, उसके बाद, इसके बाद रिटार्डेशन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, स्प्रिंग इज ग्रेटर देन, ठीक है, स्पीड इज मैक्सिमम एट पोजीशन 2। मैक्सिमम क्यों, इक्विलिब्रियम पोजीशन तक एक्सेलरेट करता है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन तक वो क्या रहेगा, एक्सेलरेट करेगा, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आपकी स्पीड मैक्सिमम होगी। समझा? यस सर। ऑल्दो इसका कोई रिलेशन नहीं है क्वेश्चन से, ये स्प्रिंग का मोशन मैंने जनरली, पता नहीं वहां पे उस टाइम पे किसी बच्चे ने बोला होगा इसलिए समझाया। दिस हैज नो रिलेशन। एट नेचुरल लेंथ स्प्रिंग फोर्स जीरो हो जाता है, बट फ्रिक्शन लग रहा है तो नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। ऐसे केस में नेट फोर्स फ्रिक्शन के इक्वल होगा, जो कि स्पीड के ऑपोजिट होता है। Hence it will deaccelerate between position 2 to 5. Whenever spring is there, it is better to use work energy theorem. क्योंकि दिख रहा है आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है, बीच बीच में हमें ये देखना पड़ता है एक्सेलरेट हो रहा है डीएक्सेलरेट हो रहा है, तो ये करने की जरूरत ही नहीं है ना। वर्क डन बाय स्प्रिंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके, हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर, और हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, राइट? यस सर। इसलिए तो वो बेटर है, इसीलिए मैंने यहाँ लिख रखा है, बिकॉज स्प्रिंग फोर्स इज वेरिएबल फोर्स, हेंस एक्सेलरेशन विल बी वेरिएबल, देन यू माइट गेट कंफ्यूज्ड यूजिंग लॉज ऑफ मोशन टेक्निक। तो बेटर क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ, कोई सोचो ही मत, ठीक है? नेक्स्ट नोट डाउन करते हैं, पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेटिव फोर्स। तो वी नो पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, राइट? यस सर। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कितना होता है, इंटीग्रेशन एफ कंजर्वेटिव डॉट डीएस। तो डेल्टा यू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है, तो माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डॉट डीएस, ये आ जाएगा। तो यहां से एफ कंजर्वेटिव निकालना है, तो माइनस डी यू बाय डीएस आ जाएगा, राइट? और एक्स के लिए निकालना है, तो माइनस डी यू बाई डी एक्स, वाई के लिए माइनस डी यू बाई डी वाई, जेड के लिए माइनस डी यू बाई डी जेड। एफ एक्स एफ वाई एंड एफ जेड आर कंजर्वेटिव फोर्सेस अलोंग एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन रेस्पेक्टिवली, राइट? अब बुक्स में ना यहाँ पे डिफरेंशिएशन की जगह एक सिंबल होता है डेल का, ये डेल और डिफरेंशिएशन एक ही चीज है। डेल में बस ये होता है, जब मैं एक्स के रिस्पेक्ट में करूंगा तो वाई और जेड को कांस्टेंट ले सकता हूं। पार्शियल डिफरेंशिएशन इज सेम एज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में जो हमारा सिंबल होता है वो डी एफ बाई डी एक्स होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन में जो सिंबल होता है उसे कहते हैं डेल एफ बाई डेल एक्स, ये सिंबल डेल का है। इन पार्शियल डिफरेंशिएशन वी कैन टेक ऑल वेरिएबल्स एज कॉन्स्टेंट अपार्ट फ्रॉम द वन विद रिस्पेक्ट टू विच वी आर परफॉर्मिंग पार्शियल डिफरेंशिएशन। जैसे कि हम यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो उसको छोड़ के बाकी सबको कांस्टेंट ले सकते हैं। ओके, इसका एग्जांपल बता रहा हूं, फोर्स दे रखा है 7x² + y³। बच्चे रिप्लाई करो ना, आप रिप्लाई नहीं कर रहे बीच में। यस सर, बोल। तो फोर्स आपको दे रखा है 7x² y³। यस सर। तो डेल एफ बाई डेल एक्स क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। तो जब x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो 7 और y क्यूब कांस्टेंट हो गया, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 2x आएगा। तो आंसर आएगा 7y³ × 2x, दैट इज 14xy³। ओके, डेल एफ बाय डेल वाई होगा डेल ऑफ 7x² y³ / y, 7x² × y³ / y, तो y क्यूब का डिफरेंशिएशन 3y²
ये तो जब मैंने x के रिस्पेक्ट में किया तो y और 7 को कांस्टेंट, और y के रिस्पेक्ट में किया तो 7x को कांस्टेंट, ओके समझ गए, करो नोट डाउन यहां से। सर तो पार्शियल डिफरेंशिएशन वेक्टर क्वांटिटी के लिए किया जाता है राइट, जिसमें मल्टीपल एक्सेस इन्वॉल्व हो, जैसा कुछ। नोट डाउन होते प्लीज लोअर योर हैंड। हाँ शेयर साहब का ही वेट हो रहा था, नेक्स्ट पेज के लिए रेज हैंड कर लेना बच्चों। अंशुल आदित्य माइक ऑफ कर लो बच्चे, अभी मैं बात बोलूंगा तब माइक ऑन कर लेना।
सर हो चुका है। हाँ दो बच्चों का रेजिडेंट है ना बच्चे, अंशुल आदित्य और दिव्यांग का। दिव्यांग वेटिंग फॉर यू। रिजाइन कर लेना बच्चों। सर हमको पार्शियल डिफरेंशिएशन करने से फायदा क्या हो रहा है? दो मिनट रुकना बच्चे। हाँ बच्चे बोलो। सर मैंने पूछा कि हम लोग को पार्शियल डिफरेंशिएशन करने से फायदा क्या हो रहा है? पार्शियल डिफरेंशिएशन यार अब ऐसा है ना, जब मुझे वो निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी, तो एक्स कंपोनेंट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा ना, बाकी हाँ। दोनों के रिस्पेक्ट में करने की जरूरत नहीं है, तो वैसे ये फायदा हो रहा है ना पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए। हाँ ओके ठीक है सर। राइट सर, तो आपने प्रीवियस पेज में जो फॉर्मूला लिखा है fx equal minus du by dx, उसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन होना चाहिए था। आप उसको del u by del x भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
नेक्स्ट पेज के लिए रिजाइन कर लो बच्चों। सर वो डेल एक्स बाई डी डी एक्स है ना, डेल एफ बाई डी एक्स है ना, डेल एफ बाई डेल एक्स है। हाँ भाई सर, अंशुल आदित्य माइक ऑन करो। समरी, डेल्टा यू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, दैट इज माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ कंजर्वेटिव डॉट डीएस। एफ कंजर्वेटिव इज डी यू बाय डीएस। एफ एक्स निकालूंगा तो माइनस डेल यू बाय डेल एक्स, एफ वाई माइनस डेल यू बाय डेल वाई, एफ जेड माइनस डेल यू बाय डेल जेड। और वेक्टर फॉर्म में माइनस डेल यू बाय डेल एक्स आई कैप, माइनस डेल यू बाय डेल वाई जे कैप, माइनस डेल यू बाय डेल जेड के कैप। समझा? पॉइंट नंबर थ्री, as f conservative is minus du by ds, that is negative of slope of potential energy versus displacement graph will give conservative force. Ki differentiation ka matlab hi slope hota hai, to uska negative kya dega? Conservative force dega. Okay, yes. Whenever we differentiate a quantity with respect to displacement, we use term gradient. To ye del u by del s aa raha hai na, sorry du by ds, iska matlab kya hai? पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्योंकि मैं पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में, इसलिए पोटेंशियल ग्रेडियंट। ऐसे ही अगर मैं टेम्परेचर को डिफरेंशिएट करूंगा डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में, तो वो बन जाएगा टेम्परेचर ग्रेडियंट। समझा? यस सर। चलो नोट डाउन करो।
सॉरी मैंने रेजान देखा ही नहीं, रेजान कर लो बच्चों नेक्स्ट पेज के लिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चों, रिजाइन कर लो जो भी सॉल्व कर रहे हैं। सही है शिव, चलो माइनस के वाई आई कैप माइनस के एक्स जे कैप। एवरीवन लोअर योर हैंड, अंशुल आदित्य माइक ऑन करो। यस सर। यू दे रखा है के एक्स वाई,
एफ एक्स क्या होगा माइनस डेल यू बाय डेल एक्स, तो इसमें माइनस डेल के एक्स वाई बाय डेल एक्स करेंगे तो के वाई तो कॉन्स्टेंट और एक्स का डिफरेंशिएशन वन, तो माइनस के वाई आ जाएगा एफ एक्स। सिमिलरली एफ वाई करेंगे माइनस डेल यू बाय डेल वाई, तो इसमें के एक्स कॉन्स्टेंट और वाई का डिफरेंशिएशन वन, तो ये माइनस के एक्स बचेगा। तो एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप होता है, तो माइनस के वाई आई कैप माइनस के एक्स जे कैप। किसी बच्चे को डाउट रेज हैंड कर देना कोई डाउट हो तो, जिनको नोट डाउन करना है रेज हैंड कर लो। ओके अंशुल, नोट डाउन नहीं करना ना? नहीं हो गया सर। ओके नेक्स्ट हेडिंग इज पोटेंशियल एनर्जी कर्व, पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने कहा ना उसका स्लोप का नेगेटिव फोर्स आता है, राइट? स्लोप इज डी यू बाय डी एक्स, राइट? इफ स्लोप इज नेगेटिव फोर्स विल बी पॉजिटिव, राइट? इसका मतलब क्या है? फोर्स रिपल्सिव है। पॉजिटिव फोर्स का मतलब है रिपल्सिव नेचर का, दूर जाएगा। अगर स्लोप पॉजिटिव होगा तो फोर्स नेगेटिव होगा, और नेगेटिव फोर्स का मतलब है अट्रैक्टिव नेचर का, हमारी तरफ आएगा, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, राइट? यस सर। तो ए पॉइंट पे जब स्लोप देखूंगा, तो स्लोप देखने के लिए तो एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना है वो देखते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ऑब्ट्यूज एंगल होगा, अगर ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो टैन थीटा ऑब्ट्यूज है तो मतलब नेगेटिव है, मतलब फोर्स क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया, मतलब यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स है, राइट? यस सर। बी पॉइंट पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो डी यू बाय डी एक्स जीरो आ जाएगा, डी यू बाय डी एक्स जीरो है तो फोर्स जीरो हो गया। यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है क्योंकि थीटा एक्यूट एंगल है, तो थीटा अगर एक्यूट एंगल है, स्लोप पॉजिटिव है, तो फोर्स नेगेटिव हो गया, मतलब अट्रैक्टिव नेचर का है, समझा? तो अगर स्लोप जीरो है, ए पॉइंट पे थीटा क्या था? ऑब्ट्यूज एंगल आएगा ना? यस यस। तो अगर स्लोप जीरो है, इसका मतलब डी यू बाय डी एक्स जीरो है, मतलब फोर्स जीरो है। बिटवीन ए एंड बी एंड डी एंड एफ स्लोप क्या है? नेगेटिव है। ए से लेके बी के बीच में नेगेटिव है, डी से लेके एफ के बीच में नेगेटिव है, बी से डी के और एफ से एच के बीच में पॉजिटिव है, राइट? तो अगर स्लोप नेगेटिव था तो फोर्स पॉजिटिव था, रिपल्सिव। फिर वही बताया, बी से डी और एफ से एच के बीच में स्लोप पॉजिटिव है, मतलब फोर्स नेगेटिव है, मतलब फोर्स अट्रैक्टिव है, और बी डी एफ एच पे स्लोप जीरो है, मतलब फोर्स भी जीरो है, समझा? यस सर। करो नोट डाउन।
सर एक डाउट है सर, सर यहाँ पे मतलब पॉजिटिव से रिपल्सिव और नेगेटिव से अट्रैक्टिव, ये कोई डेफिनेशन है क्या सर? बच्चे अगर हम इन जनरल क्या देखते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है, अर्थ की तरफ आ रहा है, यस सर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उसको नेगेटिव लेते हैं, ओके सर, और रिपल्सिव फोर्स बताए ऑपोजिट ज्यादा होगा सर। अंशुल आदित्य श्रवण आपका ही वेट हो रहा है। नेक्स्ट पेज के लिए रिजाइन कर लो बच्चों।
ओके अंशुल माइक ऑन करो. आई एम ऑडिबल टू यू? यस सर, यस सर. तीन टाइप की स्टेबिलिटी होती है. एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम. बेसिकली अगर मैंने पार्ट, ये एक ऐसा समझ सकते हो पहाड़ के बीच का रास्ता है और बॉल को मैंने यहां रखा, तो अगर मैं बॉल को साइडवेज डिस्प्लेस करूं और पार्टिकल अपने आप वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाए, तो उस इक्विलिब्रियम को हम क्या कहते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं. ठीक है. अनस्टेबल में क्या होता है? पहाड़ के टॉप पर है, अगर पार्टिकल को आपने साइडवेज डिस्प्लेस किया तो वो और दूर चला जाए, तो उसे हम कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. ओके. और न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? पार्टिकल को साइडवेज आपने डिस्प्लेस किया और वो वहीं रुक जाए, तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है. समझा? न्यूट्रल में सर वो स्ट्रेट रहेगा. ठीक है. तो फॉर एनी इक्विलिब्रियम पहली चीज फोर्स जीरो होना चाहिए, मतलब du by dx जीरो होना चाहिए, राइट? स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है? du by dx जीरो है और डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए. ये याद कर लो कंडीशन. क्यों होना चाहिए वो मैं समझाऊंगा. तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में इफ पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, देन इट कम्स टू बैक टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, वापस वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा. और क्योंकि डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो है, तो मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन आपको याद होंगी. अगर ग्रेटर देन जीरो आ रहा है मतलब यू क्या होगा इस पे? मिनिमाइज हो गया. Yes, sir. तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? मिनिमम होती है. अनस्टेबल की कंडीशन du by dx जीरो, d2u by dx स्क्वायर लेस देन जीरो. ओके. ये क्यों आ रही है कंडीशन, ये मैं समझाऊंगा. अगर पार्टिकल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है एंड इट इज स्लाइटली डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन, देन इट मूव्स फर्दर अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजिशन. और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ग्रेटर देन जीरो है, सॉरी मैक्सिमम है. मैक्सिमम क्यों? क्योंकि डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो है, मतलब यू क्या हो गया? मैक्सिमाइज हो गया. मैक्सिमम मिनिमा के कॉन्सेप्ट से, राइट? यस सर. न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में डी यू बाई डी एक्स जीरो, डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर भी जीरो, क्योंकि वो आगे जाके भी रुक ही रहा है. तो अगर पार्टिकल को आपने डिस्प्लेस किया इक्विलिब्रियम पोजीशन से, देन आल्सो इट रिमेन्स देयर ओनली, दैट इज नीदर मूव्स अवे नॉर मूव्स बैक. और क्योंकि ये भी जीरो है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी हमेशा ही कांस्टेंट है. ओके. यस सर. अब ये कंडीशन याद करनी है, क्यों आ रही है उसको मैं यहां से समझाऊंगा ग्राफ से. तो पहले नोट डाउन करो फिर समझेंगे. ओके. रेज हैंड कर लो बच्चों. सर अनस्टेबल के लिए आपने बोला था कि मतलब अगर उसमें ज्यादा फोर्स लगा तो एक तरफ ऐसे गिर जाएगा, वैसा ना, मतलब हिल पे? तो मैंने ये नहीं बोला था. मैंने ये बोला था कि अगर आपने उसको डिस्प्लेस किया, हाँ, तो वो फर्दर मूव अवे कर जाएगा. अच्छा. ओके.
सर हो गया। अंशुल आपने रिजाइन कर रखा था। सॉरी सर।
अर्चिता बच्चे सिर्फ आपका वेट हो रहा है। सर नेक्स्ट पेज प्लीज। अंशु माइक ऑन करना। कितना बचा है? अच्छा चलो सुनो बच्चों, ये आप कॉपी करके रखो, मेरा एक्चुअली 7 बजे एक और लेक्चर है, कोई ब्रेक नहीं है, तो मैं थोड़ा सा जल्दी छोड़ रहा हूँ। एंड नेक्स्ट लेक्चर में है ना, मैं प्रोबेबली आई विल टेक एक्स्ट्रा समथिंग, तो आई विल मेक इट अप फॉर टुडे। ओके, और बुकलेट कर लो, अब एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लो। नेक्स्ट लेक्चर में ये नोट्स ये तो हो जाएंगे 5 से 15 मिनट में, प्लस बुकलेट का डिस्कशन होगा, आई एम टेलिंग यू पहले ही अभी से। एक्सरसाइज 1, क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? हाँ सर। यस ओके बच्चों, दैट्स इट फॉर टुडे। ओके बाय सर। एचसी वर्मा का डिस्कशन।